चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। लोकसभा चुनाव में ऐसा संयोग बहुत कम होता है जब दो प्रमुख पार्टियों के दिग्गज एक ही मैदान में आमने सामने हों, लेकिन राजधानी दिल्ली की उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर इस साल यह संयोग बना है। भाजपा ने जहां अपने मौजूदा सांसद और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को यहां से उतारा है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने काफी विचार और मंथन के बाद अपनी पार्टी की प्रदेश प्रमुख शीला दीक्षित को उनसे दो दो हाथ करने के लिए इस सीट पर मौका दिया है। इस तरह दिल्ली की दो प्रमुख पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर आमने सामने हैं। जाहिर है कि लगातार 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित और नगर निगम चुनाव में जीत का सहरा सिर बांध चुके मनोज तिवारी के लिए यह मुकाबला सिर्फ सांसद बनने का नहीं है, बल्कि इन दोनों की ही प्रदेश अध्यक्ष पद की प्रतिष्ठा भी बचाने का यह मौका है। इस चुनाव के एक साल के भीतर ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में दोनों पार्टियां चाहेंगी कि जीते हुए प्रदेश प्रमुख के साथ ही वह विधानसभा चुनाव में उतरें। ऐसे में यह लगभग तय है कि दोनों में से जो भी हारेगा उसे प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी छोड़नी होगी। हारे गए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कोई भी पार्टी विधानसभा के चुनाव में उतरने का जोखिम मोल नहीं लेना चाहेगी। यही वजह है कि दोनों तरफ से धुआंधार प्रचार किया गया है। 81 वर्षीय शीला दीक्षित के लिए भले ही पदयात्रा कर पाना मुश्किल रहा हो, लेकिन उनके मैदान में उतरने से कार्यकर्ताओं में जोश का खासा संचार हुआ है। शीला दीक्षित की सभाएं भी बहुत सीमित रही हैं, लेकिन इसकी क्षतिपूर्ति उनके बेटे और बहू दोनों मिलकर करने में लगे हैं। बेटे संदीप दीक्षित दो बार सांसद रह चुके हैं और उन्हें चुनाव लड़ने का अच्छा खासा अनुभव है और इसका लाभ भी उन्हें मिलना तय है। साथ ही शीला दीक्षित के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने भी इस सीट पर रोड शो कर अपनी धमक दिखाई है। वहीं अपने प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए दिल्ली बीजेपी ने भी यहां पर कोई कसर नहीं छोड़ी है। मनोज तिवारी के लिए जहां राजनाथ सिंह सभा कर चुके हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी यहां कई बार बैठकें कर चुके हैं। मनोज तिवारी के लिए कई भोजपुरी कलाकारों के साथ ही हरियाणवी कलाकार सपना चौधरी की भी यहाँ कई सभाएं हो चुकी हैं। शीला दीक्षित जहां अपने कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों की दुहाई देती इस दौरान नजर आई हैं, वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी की तरफ से सिग्नेचर ब्रिज, मेट्रो और केंद्रीय विद्यालय लाने का श्रेय खुलेआम लिया गया है। चुनाव में इन दोनों में से किसका पलड़ा भारी रहेगा यह तो आने वाली 23 मई को ही पता चल पाएगा, लेकिन राजधानी का सबसे पिछड़ा इलाका दो दिग्गजों के मुकाबले का ऐतिहासिक गवाह जरूर बन गया है। ब्रेकिंग न्यूज द्वारका के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।